नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति से संबंधित कुछ कथाएं सुनाएंगे, कुछ कहानियां हैं कि आखिर क्यों मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। तो आज हम ये सारी कहानियां बताएंगे, जिसमें कि पहली कहानी सूर्यदेव और शनिदेव से संबंधित है। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका रंग काला देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया है। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वह जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति की दूसरी कहानी है कि आखिर गंगा में इस दिन जो स्नान किया जाता है उसकी क्या परंपरा है, जो पुराणों में जो कथाएं उनमें कथाओं में क्या कहा गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। तो इसकी कथा सुनते हैं। राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा स्वर्ग का राजा ना बन जाए। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उसकी खोज में लगा दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। यह जानकर राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनके पुत्रों को समाधान देने का निवेदन किया। जब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए केवल एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर लाओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक गंगा
माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाती तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। फिर तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप से गंगा माँ गंगा को स्नान किया। माँ गंगा का वेग इतना था कि पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपनी तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दें, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँच आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्र को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्र को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। मकर संक्रांति की एक कथा और प्रचलित है। महाभारत काल के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चयन किया। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से जाना जाता। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, आंध्र प्रदेश के कर्नाटक केरला में इस पर्व को केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए होंगी। कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।